कोडरमा जिले में व्याप्त अनियमित बिजली आपूर्ति की समस्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कार्य समिति सदस्य रमेश हर्षधर, भाजपा बिहार प्रदेश के प्रवक्ता डॉ. रामसागर सिंह, झुमरतलैया नगर मंडल अध्यक्ष किशोर पंडित, नगर महामंत्री हरि पंडित, विनय सांडिले एवं नगर मंत्री विजय यादव के द्वारा कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के मुख्य अभियंता नंदकिशोर चौधरी से मुलाकात की गई। इस दौरान रमेश हर्षधर ने कोडरमा जिले में बिजली कटौती से आम जनता को हो रही परेशानियों से उन्हें अवगत कराया। इस पर KTPS के मुख्य अभियंता ने बताया कि KTPS के द्वारा बिजली उत्पादन में कोई कमी नहीं की जा रही है। बिजली वितरण का कार्य बिजली विभाग करती है। यह बिजली विभाग को तय करना होता है कि किस फीडर को किस समय बिजली दिया जाए और किस समय किस फीडर का बिजली काट लिया जाए। मुख्य अभियंता ने बताया कि 800-800 की दो यूनिट पर प्रपोजल चल रहा है। यदि स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिला तो इसे भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद यह 2600 मेगा यूनिट का सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन केंद्र होगा। इसके अलावा एस पॉन्ड का निर्माण कार्य चल रहा है। भाजपा बिहार के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. रामसागर सिंह ने CSR के तहत विस्थापितों और स्थानीय ग्रामीणों को मिलने वाले योजनाओं की जानकारी ली। इस संबंध में CSR के अभियंता हरीश चंद्र सिंह ने बताया कि समय पर लाभुकों को उचित लाभ दिया जा रहा है। इसकी जानकारी उपायुक्त कोडरमा को भी उपलब्ध कराई जाती है। KTPS के मुख्य अभियंता से वार्ता के बाद भाजपा के पूर्व कार्य समिति सदस्य रमेश हर्षधर ने कहा कि कोडरमा जिले के KTPS में व्यापक पैमाने पर बिजली का उत्पादन हो रहा है, लेकिन सरकार की गलत नीतियों की वजह से कोडरमा की जनता को बिजली कटौती की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। आज बिजली लोगों के दिनचर्या की एक बुनियादी आवश्यकता बन गई है। इसके बिना जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। उन्होंने मांग किया है कि सरकार बिजली विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कोडरमा जिले समेत पूरे राज्य में नियमित रूप से बिजली आपूर्ति करने का आदेश दे। हम लोगों ने एक सिस्टमंडल के तहत पांडेडी प्लांट भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के द्वारा बिजली कटौती को लेकर मुलाकात की। आज पूरे झारखंड में बिजली कटौती को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। भीषण गर्मी पड़ रही है, बच्चों का एग्जाम भी चल रहा है। इस गर्मी में जनता त्राही राम कर रहा है और सरकार सोई हुई है। इस सरकार की गलती के वजह से आज पूरे झारखंड में बिजली की जो दयनीय स्थिति है, इसमें अगर कहा जाए तो सरकार ही जिम्मेवार है। पांजेटी प्लांट गए थे और वहाँ के पदाधिकारियों से जो बात हुई, उनके द्वारा ये कहा गया कि बिजली हम लोग जितना चाहिए उतना हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं और बिजली को सप्लाई कर रहे हैं। अब सरकारी जो नीति रिवाज है उसके वजह से जो परेशानी हम नहीं कर सकते। बिजली का उत्पादन ज़बरदस्त है और जितना आपूर्ति करना चाहिए उससे ज़्यादा ही हम लोग दे रहे हैं। तो हम तो इस विषय पर ही कहेंगे कि सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और जनता की जो मांग है बिजली की जो व्यवस्था उपलब्ध कराना चाहिए। सरकार इस पर गंभीर बने और इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पूरे राज्य में बिजली सुचारू ढंग से चले, बहाल हो, जनता को मिले, इस पर पदाधिकारियों को निर्देश और आदेश जारी करें और कम से कम लोगों को 24 घंटा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो लोग भूल गए थे इन्वेटर खरीदने के लिए। हेमंत सरकार जब से सत्ता में आया है सभी समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है और बिजली बुनियादी चीज़ है। बिना बिजली के दो कदम लोग चल नहीं पाते, उसी से सब चीज़ जुड़ा हुआ है। तो सरकार को इस पर गंभीर होना चाहिए और अगर नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी तो पूरे राज्य में आप लोग देख रहे हैं कि आंदोलन किस दिन से चल रहा है और ये सरकार केवल अपने आप को खरीदने में जिस ढंग से इन पर आरोप लग रहा है उनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। सब्सक्राइब नाउ।
and press the bell icon. Never miss an update.